Hey everyone, welcome back to my channel. My name is Paramita and you're watching Paramita's Delight. So this is my Saturday morning. Here I'm making the dough for puri, kyunki aaj hum khane wale hai puri sabji, because aaj hai meri mother-in-law ka birthday. So here I'm kneading the dough. ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद मैं अभी मैं आ गई हूँ नहा के. पहले मैं सोच रही थी कि थोड़ा लंच का प्रिपरेशन कर लेती हूँ, बिकॉज आज मेरी मदर इन लॉ का बर्थडे है और काफ़ी स्पेशल चीज़ें बन रही है इसलिए खाने पीने के लिए. जैसे कि मैंने आपको बोला था कि सेलिब्रेशन से बेटर तो कुछ भी नहीं हो सकता फॉर एनी काइंड ऑफ बर्थडे और एनी काइंड ऑफ ओकेजन. सो या हमारा ब्रेकफास्ट तो हो गया है, बहुत टेस्टी ब्रेकफास्ट. एंड देन उसके बाद में हम लंच की प्रिपरेशन कर रहे हैं. लंच में आज बनने वाला है फ़िश. मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड के साथ गए हैं फ़िश लेने के लिए. एंड देन उसके बाद में जो फ़िश का मेन डिश है वो मैं बनाने वाली हूँ, और मेरे चैनल पर उसकी रेसिपी है. मैं बनाने वाली हूँ आज शोशे झोल ऑफ मीन्स मस्टर्ड ग्रेवी ऑफ द फ़िश, जो कि मैंने एक पहले बनाया था दोई रुई करके. मतलब रोहू फिश का जो कर्ड एंड मस्टर्ड का जो ग्रेवी होता है वो बनाने वाली हूँ मैं आज. सो या एंड मैनी मोर थिंग्स विल बी देयर, लाइक हम दाल खाने वाले हैं उसके साथ में, और एक शुक्तो होता है बंगाली में, मिक्स वेज काइंड ऑफ थिंग, विच इज़ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम मिक्स वेज. उसमें कोई स्पाइसेस वगैरह नहीं होते हैं, इट्स वेरी वेरी यमी. वो खाने वाले हैं हम. सो या और थोड़ी बहुत मे बी कुछ फ्राइज़ वगैरह होंगे लाइक दैट. सो या और बिकॉज मेरे ब्रेकफास्ट के बाद में एक दो चीज़ें जो मेरी मदर इन लॉ को बनानी थी, जैसे कि शुक्तो और दाल, वो उन्होंने बना दिया. एंड वो बना रही थी तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं नहा के आ जाऊँ. फिर मैं नहा के आ गई. गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि साड़ी वाड़ी भी पहनने का मन नहीं करता, और मैं बहुत दिन से पहन भी नहीं रही थी, जबकि मेरा रहता है कि मैं सैटरडे या संडे में से एक दिन पहनती हूँ. तो आज फाइनली गर्मी थोड़ी सी कम है. पता नहीं क्यों धूप मतलब आ रही है जा रही है, गर्मी थोड़ा बैलेंस्ड है. सो मैंने आज साड़ी पहनी है. एंड या अभी मैं जा रही हूँ किचन में, फटाफट जो मेरी वाली रेसिपी है वो कंप्लीट कर देती हूँ.
बहुत यमी सी रेसिपी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, बट ये आज शॉर्ट फॉर्म में है। ये जो आप देख रहे हैं ये रोहू फिश का हेड है जिसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है, एंड ये है मूंग की दाल। सो ये मूंग की दाल मेरी मदर इन लॉ ने बनाया है। सो दाल तो नॉर्मल जैसे आप बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, एंड देन उसके बाद में हम इस दाल में कुछ प्याज लहसुन वगैरह नहीं डालते, और ये दाल थोड़ा सा मीठा होता है। दिस इज़ मैं ये बताऊंगी कि ये रेसिपी बंगालीज ने अगर नहीं ट्राई किया है तो मस्ट ट्राई। अब इस फिश हेड को मैं इसमें डाल दूंगी फ्राई करके, एंड देन आई एम गोना ब्रेक इट। दिस इज रियली 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 गुड रेसिपी। तो लंच करके हो गया है, एंड अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा सोने। सैटरडे संडे को जनरली मैं थोड़ा सा सो जाती हूँ लंच के बाद में। लंच हमने बिल्कुल टाइमली कर लिया है, लाइक जैसे मैंने आपको मेरे सारे वीडियोस में बताती आती हूँ कि भले हमने कितना भी हैवी ब्रेकफास्ट किया हो या कितना भी ऑयली ब्रेकफास्ट किया हो, बट हम लंच एकदम टाइम पे करते हैं। तो 1:30 पर लंच हो गया है, एंड अभी आई थिंक 2:00 हो रहे हैं। तो यार अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा सोने, शाम को 5 बजे तक उठती हूँ। शाम के बज रहे हैं 6 और अभी मैं रेडी हो गई हूँ। उठ गई थी मैं बहुत पहले ही, एंड अभी हम थोड़ा बाहर निकलेंगे कुछ ऐसा शॉपिंग जैसा तो हमें नहीं जाना है, बट या वीकेंड में घूमने के लिए कोई प्लेस ही नहीं होता है, फिर ले दे के वही किसी सुपरमार्केट में घूम के आते हैं। मॉल एंड ऑल दीज थिंग्स लाइक घर के अंदर तो बहुत अजीब लगने लगता है, सो थोड़ा बहुत तो बाहर घूमना बनता है। तो विल सी कहाँ पर हम जाएँगे। थोड़ा लेट और घर वापस आते आते भी हमें लेट हो गया है। अभी बज रहे हैं रात के 10, बट मैं बनाने वाली हूँ मटर पनीर। मैंने ऑलमोस्ट सारी प्रिपरेशन करके रखी है, तो जस्ट आई हैव टू मेक, जस्ट बी विद मी, और मैं दिखाती हूँ आपको कैसे बनाते हैं मटर पनीर। सबसे पहले हम ऐड करेंगे सरसों का तेल, उसके बाद में ये मैंने पनीर जो है घर पर बनाया हुआ है उसे मैं लाइट फ्राई कर लूँगी। मुझे रॉ वाला पनीर पसंद नहीं है सब्ज़ी में, तो मैं थोड़ा सा फ्राई करके हटा लूँगी, एंड देन उसके बाद में उसी ऑयल में मैं डालूँगी थोड़ा सा जीरा, एंड मैंने प्याज जो है वो चॉप करके रखे थे उन्हें मैं ऐड कर दूँगी। जस्ट फ्राई इट अंटिल इट बिकम्स गोल्डन ब्राउन। एंड देन मैं इसमें ऐड करूँगी ये टोमेटो प्यूरी। ये जस्ट मैंने टोमेटो 4-5 लहसुन की कलियाँ और अदरक को पेस्ट कर लिया था, उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा बहुत बेसिक स्पाइसेस, जिसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सॉल्ट भी डाल देंगे, थोड़ा जीरा धनिया का पाउडर है ये, उसके बाद मैं ऐड कर दूँगी हल्दी पाउडर, एंड या दैट्स इट। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एंड मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा किचन किंग, अगर आपके पास नहीं है तो आप मत डालिए, इट्स टोटली ऑप्शनल। थोड़ा फ्लेवर जो स्पाइसेस का होता है और भी ज़्यादा एनहांस हो जाता है। जस्ट ऑयल सेपरेट होने तक इसको करना है, एंड ये मैंने मटर जो है वो बॉयल करके रखे हैं। आजकल मटर का कलर बिल्कुल मतलब बदल गया है, ग्रीन मटर ही नहीं रहा, मटर का ऐसा लग रहा है सीज़न जा रहा है बहुत जल्दी। सो अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी, आप अपने कंसिस्टेंसी के हिसाब से रखिए, एंड जो मैंने पनीर फ्राई करके रखे थे वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अगर सारी चीज़ें हैंडी है तो फिर मटर पनीर बनाने में हार्डली 5 मिनट्स लगते हैं, दैट्स इट। सब देख सकते हैं द यम्मी डिलीशियस मटर पनीर इज़ रेडी टू सर्व। आज
आज का दिन पूरा हो गया और बहुत ही यमी खाना खाया हमने सुबह से लेके रात तक, जैसा कि आप लोगों ने देखा। सो अब ब्लॉग एंड करने का टाइम आ गया है बिकॉज बहुत तेज़ नींद आ रही है। सो अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।